झटपट आम पकाएंगे घर में पड़े हुए सामानों से, ना केमिकल ना कार्बाइड। स्वागत है आपका इंडियन फूड्स विद उषा में। तो चलिए झटपट शुरू करते हैं। आम पकाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये जूट का बोरा। तो अगर आपके पास जूट का बोरा नहीं है तो आप कोई भी फटा पुराना स्वेटर या फटा पुराना ऊनी कंबल ले सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसे पकाने के लिए हमें गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है। और यहाँ हमने लिया हुआ है कार्टून। तो अगर आपके पास इस तरह का कार्टून नहीं है तो आप क्या करें कि बांस की टोकरी ले लें या प्लास्टिक का टब ले लें जिससे हम नहाते हैं या धुलते हैं, कपड़ा धुलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बोरे को कार्टून के अंदर फैला देंगे इस तरह से चारों तरफ से। और यहाँ हमने दो कटोरी चावल लिया हुआ है, हमने मोटे चावल का इस्तेमाल किया है, आप कोई सा भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको चावल बिल्कुल सुरक्षित मिलेगा, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। और अगर आपके पास चावल नहीं है तो गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमने लिया है ये 2.5 से 3 किलो आम। आम बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है और बहुत ज़्यादा पका नहीं है, बस हल्का सा अध पका है। और आम लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं से भी ये कटा पटा या फिर चोट लगा हुआ आम नहीं होना चाहिए। आम मार्केट से लाएं तो उसे धुलना नहीं है, बिना धुले ही इस तरह से आपको बोरी के ऊपर रख देना है, थोड़ा थोड़ा गैप करके रखना है। अगर मार्केट से आम लाने के बाद आप इसे धुल देते हैं तो ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाने के बाद पकने में ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इस तरह से हमने आम को रख दिया, आप देख सकते हैं बीच में हमने थोड़ा सा गैप रखा हुआ है। और यहाँ हमने लिया हुआ है 1 किलो प्याज। तो अगर आपको लगता होगा कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इस आम को कैसे खा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप बाद में देखिएगा ये प्याज का रस इसमें नहीं जाएगा और आम आपको कितना सुरक्षित मिलेगा। तो आम के बीच में जो गैप था उसमें हम प्याज को इस तरह से लगा देंगे, एक एक प्याज को, और इस तरह से इसके मुँह को बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर एक पेपर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने एक ऊन का कालीन रखा हुआ है जिस पर बैठ के पूजा वूजा किया जाता है उस तरह का, यानी कि थोड़ा सा गर्म कपड़ा है ये। और इस तरह से हम कार्टून को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसके ऊपर एक छोटा सा ईंटा रख देंगे ताकि इसमें हवा ना जाने पाए, और इसे हम किसी गर्म जगह पर 1 से 2 दिन के लिए रख देंगे। तो इसको हमने 1 से 2 दिन के लिए रख दिया हुआ था, और मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट की तरह ये आम आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं सारे आम पक चुका है। इसको हमने 2 दिन के लिए रखा हुआ था, आप 1 दिन में भी आम को पका सकते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये देखिए, कहीं से भी आपको घुला नहीं दिख रहा है, कहीं से भी सड़ा नहीं दिख रहा है, और आम पूरी तरह से पका, इस तरह से दबाने पर आपको पका हुआ दिख रहा है। तो आम रखते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक आम नहीं रखना है, उससे क्या होता है आम सड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। और इस तरह से हमने आम को निकाल लिया। आम निकालने के बाद इसे आप ठंडे पानी में 2 घंटे के लिए भिंगो दें, उसके बाद काट करके खाने में यूज़ करें। और ये आप प्याज देख सकते हैं, बिल्कुल आपको ये ताज़ा और सुरक्षित प्याज आपको मिल जाएगा, यानी कि कहीं से सड़ा नहीं है, कहीं से इसमें से रस नहीं निकला हुआ है। और ये चावल आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको इस तरह का दिखेगा, इसमें कुछ कीड़ा नहीं पड़ा है और ना ही ये चिपचिपा हुआ है। तो इस चावल का प्रयोग आम पकाने के लिए आप दोबारा भी कर सकते हैं। और ये आम देखिए, बिल्कुल मार्केट की तरह देखने में, ऊपर से आपको ये लग रहा होगा कि हल्का सा कच्चा है, लेकिन हमारा आम बिल्कुल पका हुआ है। तो इसको हमने धुल लिया ठंडे पानी से, और अब मैं काट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे से आप आम को देख सकते हैं, पूरी तरह से ये पका हुआ है, और देखने में जितना ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा है, कहीं ज़्यादा इससे खाने में भी ये ज़्यादा टेस्टी है। तो ये इस आप आम से मैंगो शेक बना सकते हैं, या सिंपल सा आम का जूस बना सकते हैं, या आम पापड़ बना सकते हैं। ये देखिए, अंदर से भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी बहुत ज़्यादा घुला नहीं है और कहीं से ये गला नहीं है। इसको मैं इस तरह से काट करके दिखा देती हूँ जैसे हम मार्केट का आम लाते हैं और खाते हैं, बिल्कुल उस तरह से। तो आप इस तरह से इसे काट कर भी खा सकते हैं। ये देखिए, आपको सारे पीस बिल्कुल अलग अलग दिख जाएंगे, खोल करके मैं दिखाती हूँ। बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से आप 5 से 10 किलो आम को घर में पका सकते हैं, और बिना केमिकल और बिना कार्बाइड के। ये देखिए,
मैं इसे निकाल करके भी आपको दिखा देती हूँ। चम्मच से जैसे बच्चे हैं या फिर बड़े हैं जो खाना पसंद करते हैं, तो आप इसे चम्मच से निकाल कर भी इस तरीके से खा सकते हैं। ये देखिए, खाने में भी आपको आसानी रहेगी। और इस आम को आप फ्रीज में रखकर 3 से 4 दिन तक खा सकते हैं। ना ये घुलने वाला है और ना ये गलने वाला है। बिना काटे भी आप चम्मच इस तरह से निकाल के खा सकते हैं। और अंदर का छिलका देखिए, यानी कि नीचे का छिलका देखिए, आपको बिल्कुल इस तरह का क्लीन मिलेगा, कहीं से इसमें आम नहीं लगा हुआ है। और ये देखिए, इतने ही हमने चावल और प्याज से एक दिन में ये 4 किलो आम को दोबारा पका लिया। तो आप देख सकते हैं, ये हमने एक दिन में आम को पकाया हुआ है, बस उतने ही चावल और उतने ही प्याज से। तो इस चावल और प्याज से आप 10 से 15 किलो आम को पका सकते हैं, यानी कि दोबारा बार बार यूज करके। और आपको देखिए, ये प्याज बिल्कुल इस तरह का दिखेगा, और चावल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ा इस तरह का दिखेगा। इसमें ना घुन पड़ा है, ना कीड़ा पड़ा है, और ना ही प्याज और ना ही आम का रस पड़ा हुआ है। ये देखिए, कहीं से भी आपको ये चिपचिपा नहीं दिखेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा ये चावल है। और ये देखिए, आम को देखिए, ऊपर से ये हरा लग रहा है लेकिन अंदर से ये आम पूरी तरह से पका है। तो ये बनारसी लंगड़ा आम है। इसकी जगह पर आप कोई सा भी आम, देसी आम है या आपके घर में कोई सा भी किसी तरह का आम है, इस तरह से इसे पका सकते हैं। ये देखिए, तो आम को निकालने के बाद आपको ठंडे पानी से, यानी कि 1 घंटे के लिए पानी में डाल देना है। आम ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसे काट करके खाना है। ये देखिए, आम को मैं अंदर से काट करके दिखा देती हूँ कि ये भी आम आपको कैसा दिख रहा है। एक दिन में ये आम पका हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, यानी कि इस विधि को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।